तो हेलो गाइस, वेल्कम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं सिर्फ अभिषेक, बिना किसी देरी करते हैं वीडियो के स्टार्ट। सो आज हमारे सामने खड़ी है R15 वर्जन S 2024 का लेटेस्ट लॉन्च, लेटेस्ट मॉडल है, ठीक है। मैं करके सारी स्पेसिफिकेशंस वगैरह की बात करेंगे, कंप्लीट डिटेल रिव्यू होने वाला है ये, ठीक है। तो सबसे पहले भाई देखो, ऐसे कुछ दिखती है गाड़ी, ठीक है। ब्लैकिश कलर के अंदर है, ब्लैक के अंदर थोड़ा सा ग्रे का टच है। और इसकी ऑन रोड प्राइस आपको बता दूँ मैं, ऑन रोड प्राइस की आपको यहाँ पे 2,05,000 देखने के लिए मिलेगी अकरयामा में, जयपुर के अंदर, ठीक है। स्टेट टू स्टेट वेरी करती है प्राइस, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट देखने के लिए मिलेगी, 1,000 से 2,000 का डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है। सो भाई प्राइस की तो बात कर ली, अब स्पेसिफिकेशंस वगैरह की बात करते हैं। सबसे पहले फ्रंट से बात करते हैं। फ्रंट में आपको यहाँ पे 17 इंच अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है, ब्लैकिश कलर के अंदर। जो यहाँ पे टायर्स हैं, टायर्स आपको MRF पे देखने के लिए मिलेंगे, 100/80 सेक्शन के, ठीक है, ट्यूबलेस टायर्स है ये, ठीक है। आपको यहाँ पे ABS देखने के लिए मिल जाएगा, सिंगल चैनल आगे की तरफ, और पीछे की तरफ भी आपको यहाँ पे ABS देखने के लिए मिल जाएगा, डुअल चैनल ABS है बाइक, ठीक है। सो अभी बात करते हैं इसके शॉकर्स की। तो शॉकर्स आपको यहाँ पे नॉर्मल जो अप्स एंड डाउन फोर्स सिस्टम आते हैं वो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। जो नॉर्मल शॉकर्स आते हैं वही है इसके अंदर, अप्स एंड डाउन फोर्स सिस्टम ऐसे आते हैं, ठीक है, बट इसके अंदर नॉर्मल शॉकर्स आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैट फिनिश के अंदर मडगार्ड देखने के लिए मिल जाएगा कंप्लीट फ्रंट से, ऐसा कुछ आपको यहाँ पे। इसकी LED लाइट्स देखने के लिए मिलेगी जो वर्जन 3 में आती थी, सेम एज इट इज़ लाइट्स है, ठीक है। R15S की यहाँ पे ब्रांडिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और यहाँ से जो है एयर इनटेक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें हवा जाती है, पूरे एरोडायनेमिक्स के हिसाब से बनाया है थोड़ा सा इसको, जिससे ट्रैक बाइक लगे एकदम, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो वाइज़र है वो प्लेन वाइज़र आपको देखने के लिए मिल जाएगा कम्प्लीटली। सो फ्यूल टैंक की बात करूँ तो फ्यूल टैंक आपको ऐसा कुछ देखने के लिए मिलेगा, इथेनॉल 20 पेट्रोल डाल के भी आप इसको चला सकते हैं। यहाँ पे ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी बजाज की, राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ यहाँ पे R15S की ब्रांडिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। बात करूँ भाई अब इसके मीटर की, तो ऐसा कुछ इसका मीटर देखने के लिए मिलेगा आपको इसके अंदर, इंजन चेक लाइट, न्यूट्रल लाइट, कूलेंट का लेवल, और आपको ये सब बता देगा। ये नॉर्मल सा मीटर है, ज़्यादा इसमें स्पेसिफिकेशंस तो नहीं बताएगा, ठीक ठाक डिसेंट सा मीटर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और भाई अब बात करते हैं इसके मीटर के बाद में इसके फेयरिंग की तरफ, तो यहाँ पे VVA की ब्रांडिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी, वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन दोनों तरफ, उधर भी आपको सेम एज इट इज़ देखने के लिए मिलेगा R15S वर्जन 3, ठीक है। सो यहाँ पे आपको यहाँ पे ब्रांडिंग देखने के लिए मिलेगी यामा की, नीचे की नीचे नीचे तरफ अंडर बैली की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो इंडिकेटर्स है वो आपको हेलोजन देखने के लिए मिलेंगे, LED नहीं आते हैं इसके अंदर, ठीक है। R15 वर्जन 4 के अंदर भी नहीं आते, इसके अंदर भी नहीं आते। और बात करते हैं मेन चीज़ की, वो है इसका इंजन। तो इंजन की बात करूँ तो 155 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4-6 speed गेयरबॉक्स के साथ 4 valve इंजन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। 1 down बाकी सारे आप इसके अंदर गियर सिस्टम है, 6 speed गेयरबॉक्स है इसके अंदर। और अभी बात करते हैं इसके सीट की, तो आपको सिंगल सीट देखने के लिए मिलेगी इसके अंदर, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है मेरे हिसाब से। तो स्प्लिट सीट जो आती है R15 वर्जन 4 के अंदर, उससे तो काफ़ी फार बेटर है इसकी सीट, ठीक है, क्योंकि सीट जो है कंफर्टेबल है, इसमें आप 3 भी बैठ सकते हैं। वैसे तो 2 ही बैठ के चलाते हैं गाड़ी, क्योंकि फुल फेयरिंग बाइक है, इसमें 2 भी नहीं बैठते, सिंगल ही बैठ के चलाते हैं। बट भाई 3 आप बैठ सकते हो अगर इमरजेंसी हो तो, बट R15 वर्जन 4 के अंदर जैसे स्प्लिट सीट है इसके अंदर नहीं बैठ सकते, क्योंकि स्प्लिट सीट है। सो आपको पता है इसमें नहीं आप एडजस्ट हो पाओगे, ठीक है। सो जो इसके आपको यहाँ पे फुटरेस्ट देखने के लिए मिलेंगे वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के देखने के लिए मिल जाएंगे इसके अंदर। स्पाइक्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी फुटरेस्ट के अंदर, यहाँ पे भी आपको आगे भी स्पाइक्स देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पे आपको जो कवर है, साइलेंसर कवर, ऐसा कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे निफिन के आपको कैलिबर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, डुअल चैनल ABS है बाइक, 3.5 की डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाएगी पीछे, 17 inch अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिलेंगे, 140/70 सेक्शन का आपको MRF का ट्यूबलेस टायर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। हगर जो है वो कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा इसका पीछे से, बैकलाइट R15 वर्जन 4 जो आती है सेम एज इट इज़ है। हजार्ड लाइट आपको यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलती है इसके अंदर, बट R15 वर्जन 4 के अंदर देखने के लिए मिलती है। इसके अंदर इंडिकेटर्स जो है वो LED नहीं, नॉन LED आते हैं, हजार्ड मतलब जो नॉर्मल आते हैं हेलोजन इंडिकेटर वही आते हैं, ठीक है। सो गाड़ी काफ़ी अच्छी है, 2,05,000 के अंदर वर्थ इट है वैसे तो, क्योंकि आपको आउटपुट काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा इंजन का। टॉप स्पीड 130-135 तक अभी तक जा रही है वैसे तो, ठीक है, बाकी मैंने इतना रिसर्च करा नहीं है इसकी टॉप स्पीड के बारे में। अगर इससे ज़्यादा जाती हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और मैं आपको मेन चीज़ बताऊं कि आपको ये 2024 के अंदर बाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मेरा जो ओपिनियन रहेगा R15 वर्जन S को लेके, वो ये रहेगा कि यार 2,05,000 के अंदर अगर आप दे रहे हो तो 2,15,000-20,000 रुपये और ऊपर मिला के आप R15 वर्जन 4 के साथ जाओ, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी चीज़ें है इसके अंदर, ठीक है, जैसे अप्स एंड डाउन फोर्स सिस्टम है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम देखने के लिए मिल जाएगा, और मीटर LCD TFT देखने के लिए मिल जाएगा आपको, ठीक है, नॉन कलर्ड, काफ़ी अच्छा है, इससे तो फार बेटर है, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको स्प्लिट सीट देखने के लिए मिलेगी जो कि काफ़ी अच्छी देखने के लिए, मतलब काफ़ी अच्छी है लुक्स के अंदर, और डुअल चैनल ABS है, और आपको जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम के साथ साथ आपको ट्रैक और स्ट्रीट के 2 मोड्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि इसमें नहीं आते हैं, ठीक है। सो ऐसा कुछ है इसका, ठीक है। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। ऐसा कुछ इसका कंप्लीट डिटेल रिव्यू था R15S का,
और अगर आपको बाइक अच्छी लग रही है तो आप ले सकते हैं वैसे तो, बट मेरा ओपिनियन तो यही रहेगा कि आप इसमें थोड़े से पैसे और डाल के R15 वर्जन 4 के साथ जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आपको R15 वर्जन 4 या MT15 की कोई वीडियो देखनी हो या यामा की किसी भी गाड़ी की वीडियो देखनी तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, मैंने अपलोड कर रखी है।